सुप्रभात, मेरा नाम ध्रुव प्रधान है। मैं एपीएस डिंजन विद्यालय कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे कविता का शीर्षक बलिदान है। ये कविता मेरे माता द्वारा रचित है, जो किसी भी क्षेत्र में अपने काम पूर्णतया से निभाता है, वही श्रेष्ठ बलिदान है। इस सोच को माँ ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह पिरोया है। हर वीर की जिंदगी की एक ही पहचान है, जो सौभाग्य से दे सके दान, वही सर्वश्रेष्ठ मातृभूमि पर बलिदान है। डर नहीं होता उसे, चाहे शीश उसका भी कटे, लड़ता है वो जब तक दृढ़ हमें प्राण है। बलिदान ही वीरों की शान है। आंधी में या तूफान में, पहचान में या अनजान में, हर रास्तों पे वो चलता है, हर खतरों से वो लड़ता है। वीरों ने राष्ट्र के लिए कहीं मूल है चुकाए, दुश्मनों के शीश काटे और रह चुका है। इतिहास के वो गौरव आज की शान है, बलिदान की कथाएं हर रण का विधान है। है आज भी हमारे कल के बलिदानों पर खड़ा, वीर भगत सुखदेव राणा का लहू भी मातृभूमि पर गिरा। बलिदान की परिभाषा ना वर्दी ना हथियार है। बलिदान की परिभाषा ना वर्दी ना हथियार है। हर शख्स है सिपाही, जो इंसानियत में जागरूक और होशियार है। देश पर जब भी मुसीबतों का रंग हो, चाहे मुल्कों से कोई या बीमारियों की जंग हो, बिन मिच परवाह त्याग समर्पण ही दान है। जो सेवा करो निर्मोह, वही श्रेष्ठ बलिदान है। हौसलों से हो निर्मा और बलिदान की हो लगन, बस यही हर नागरिक से मांगता है वतन। हर वीर की जिंदगी की एक ही पहचान है, जो सौभाग्य से दे सके दान, वही श्रेष्ठ बलिदान है। जय हिंद, जय भारत।